One more night, one more night. I could fight it through till the darkness turns to light. One more night, one more night. नमस्ते गाइस, वेलकम बैक। सो गाइस, अभी हम ना राइट नाउ नए घर में शिफ्ट हो चुके हैं और ये ना जो हमारा पिछला घर था ना उससे खाली 5 मिनट के डिस्टेंस पे है। और ये वाला नया घर ना लीजा ने ढूंढा है। ती है तो पोस्ट मात्री ला है तो नवे दोन दा इंस्टाग्राम है दा स्कूल का वेरे नाम ती बार खोचिस ला तो पोस्ट मात्री दोन я сначала в тиктоке видела дом, ну, квартиры, аренда. Смотрела, подписалась. И потом увидела эту квартиру. И потом сразу такие, и мы хотим посмотреть. तो गाइस ये वाला नया घर ना लीजा ने ना बहुत दिन से ढूंढ रही है। इंस्टाग्राम पे देखी थी और फिर हमने टिकटॉक पे वीडियोस देखी और वहाँ से जो एजेंट उनसे बात करके हम ये घर में शिफ्ट हुए। तो गाइस मेन रीज़न हमने घर क्यों चेंज किया उसके ऊपर बोलता हूँ। जो हमारा पिछला घर था वो बहुत ही अच्छा था, उसकी ऑनर ऑक्साना बहुत ही अच्छी है, लाइक क्लास ऑक्साना ऐसा खरा शोदा। हम लोग ना वहाँ पे एक साल तक रहे थे, कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। उन्होंने मतलब हर टाइम कोऑपरेट किया, कभी हम ट्रैवल करते रहते कोई भी चीज़ के लिए, तो वो सब कुछ अच्छा था। और वो फुल्ली फर्निश्ड घर था, लाइक वहाँ पे बेड और फिर बाद में हर चीज़ अवेलेबल थी, स्पून और फिर बाद में फोक और मिक्सर जो भी चाहिए आपको ना, फुल रेडी घर था। तो मेरे को एक मेरा प्रॉब्लम है, लाइक मेरे को ना घर चेंज करना ना मतलब ना मेरे लिए सरदर्द है। मेरे को ना कोई भी छोटा भी रहेगा चलेगा, बट एक बार जो भी पसंद आ गया जहाँ रह रहे ना तो वही रहने का मन करता है। बट मेन रीज़न घर चेंज करने का ये है कि लाइक आपको पता है कि लीजा इज प्रेग्नेंट, हमारा बेबी आने वाला है थोड़े मंथ में लाइक। तो अब मैं हमेशा ना कॉल पे रहता हूँ। पश्चिमी दिखो चीज नवे दो Ну, я хотела, чтобы кухня была отдельно, и одна комната тебе отдельно, где ты по телефону, бла-бла-бла, и работа. मेन रीज़न ये था कि लाइक ना लीजा ना मैं हमेशा ना कॉल पे रहता हूँ गाइस ब्रांड्स के साथ में, और कभी कभी जो क्यूरियस क्वेश्चन आते हैं लोगों के और फिर तो उसमें हमेशा ना मैं क्वेश्चन लाइक हमेशा कॉल पे रहता हूँ, जोर जोर से बात करते रहता हूँ। तो लीजा को डिस्टर्ब होता, लीजा बोल रही थी वही कि हमारा बेबी होएगा तो फिर कैसे कैसे सोना है वगैरह टाइम, आपको पता है ना। तो इसके लिए हमको ना थोड़ा बड़ा घर चाहिए जहाँ पे मैं एक ना आराम से वर्किंग, जहाँ पे कॉल पे बात कर सकूँ, लीजा आराम से खाना वगैरह बना सके। तो हमने ये घर पे शिफ्ट हुए, ये हमारा घर जो ओल्ड घर था उससे खाली 5 मिनट के डिस्टेंस पे है कार से और बाई वॉक 15 मिनट्स पे। तो लीजा ने ढूंढा ऑनलाइन और अभी हम ये घर में शिफ्ट हो गए और ये घर मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आज आपको एक प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहूँगा जिसका नाम है मिलाप। तो गाइस आप सोचते होंगे कि मिलाप क्या है, तो गाइस मिलाप एक ना फ्री क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है। तो गाइस क्राउड फंडिंग क्या है, तो गाइस क्राउड फंडिंग में ना सेम मेंटेलिटी और सेम थॉट्स और विचार रखने वाले लोग ना अपने कोई भी मनपसंद कॉज के लिए ना डोनेशन दे सकते हैं, चाहे ये कोई मेडिकल इमरजेंसी हो, स्पोर्ट्स हो और एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए हो, देश के भीतरी भागों में डेवलपमेंट पहुंचाने के लिए, या तो कम्युनिटी सेवा के लिए आप डोनेशन दे सकते हो इस प्लेटफॉर्म पे। गाइस इस प्लेटफॉर्म पे आपको 0% फीस लगते हैं पेमेंट गेटवे फीस के अलावा, जो थर्ड पार्टी ऐप है। और गाइस ये प्लेटफॉर्म ना अपनी सर्विसेज इस्तेमाल करने के लिए आपसे कोई भी कमीशन नहीं लेती है। गाइस इनकी कमाई ना टोटली डिपेंड है आपके टिप्स पे और ये टिप्स कंपलसरी नहीं है। गाइस आपने ये प्लेटफॉर्म यूज किया और आपको लगा कि ये बहुत ही अच्छा है और बहुत ही यूजफुल है हमारे सोसाइटी के लिए और सोशल कॉज के लिए, तो गाइस आप यहाँ पे कुछ भी अमाउंट टिप दे सकते हो और ये टिप अमाउंट ना गाइस ये यूज करेंगे अपने प्लेटफॉर्म को एक्टिव रखने के लिए। और गाइस मिलाप में ना सारे क्राउड फंडिंग कैंपेन की प्रॉपर वेरिफिकेशन की जाती है और रिसेंटली उन्होंने ना मिलाप गारंटी एक्टिवेट की है, जिससे प्रॉपर वेरिफिकेशन होने के बाद भी अगर उनके टीम को कोई भी फ्रॉड एक्टिविटी के बारे में पता चलता है तो वो सभी डोनर्स को एक्टिवेट करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं और जो भी अमाउंट डोनेट हुए उनको रिटर्न करते हैं। तो गाइस मैंने ना वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, यू कैन गो थ्रू इट। अगर बेलारूस में रह रहे हो तो एज ए कपल आपको ना हम दोनों को कितना कॉस्ट ऑफ लिविंग होता है, एक नॉर्मल पर्सन को कितना कॉस्ट ऑफ लिविंग होगा अगर वो बेलारूस के लिए प्लान कर रहे रहने के लिए। तो गाइस ये है एंट्रेंस,
यहाँ से एंट्री किए, ये शीशा वगैरह है, और उसके बाद में है यहाँ पे किचन एरिया, फ्रिज है, और फिर बाद में माइक्रोवेव, टीवी और बेड। तो गाइस ये लिविंग रूम है, लिविंग रूम मस्त डिज़ाइन किया गया है और अच्छा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग यहीं पे रहने वाला है कि गेस्ट वगैरह आएंगे, आराम से बैठ के कॉफ़ी वगैरह पी सकते हो, और उसके व्यू भी बहुत अच्छा है, मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। आज ना 30 जून है और टेम्परेचर 33 डिग्री है। वैसे तो बेलारूस में ना हमेशा ठंडा रहता है, खाली जुलाई और अगस्त में ना थोड़ी सी गर्मी रहती है, लाइक 30 अबाउट टेम्परेचर जा सकता है, तब उस 2 महीने में लोगों को एयरकॉन की जरूरत पड़ती है। तो बहुत लोगों के, थोड़े लोगों के घर पे एयरकॉन भी है यहाँ पे, और मोस्टली लोग फैन लेते हैं और 2 महीना एडजस्ट करते हैं, उसके बाद तो हमेशा ठंडी रहती है, तभी आपको ना ये हीटर की जरूरत पड़ेगी हमेशा। और अभी हम आगे जाएंगे, लाइक ये तो लिविंग रूम हो गया, और उसके बाद में यहाँ पे है वॉशरूम, और साथ में ये बॉयलर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ कि लाइक ना बेलारूस और मैं ना कुछ दिनों के लिए ना पानी, गर्म पानी चले जाता है, और 15 दिन के लिए, तो उस टाइम पे बहुत तकलीफ होती है, लाइक हमेशा ठंडा पानी आता है, नहीं तो यहाँ पे ना ऐसा ना गवर्नमेंट के साइड से ना आपको हमेशा घर पे ना गर्म पानी दिया जाता है, और गवर्नमेंट के साइड से ये हीटर भी है, लाइक गवर्नमेंट ना एक टाइम है लाइक अगस्त या नवंबर में, वो सबके लिए सबके घर में ऑटोमेटिक ऑन कर देते हैं, तो सबके घर में हमेशा गर्म रहता है। तो यहाँ पे थोड़े दिन के लिए पानी नहीं रहता है गर्म, और ठंडी में आपको पता है कि लाइक ठंडे पानी से नहाने के लिए हालत ख़राब हो जाएगी यहाँ के टेम्परेचर के हिसाब से, तो एक अच्छा है कि बॉयलर है तो आप गर्म पानी से नहा सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, अभी तो गाइस ये है लाइक लिविंग रूम बोल सकते हैं, लाइक हॉल एक है, तो इसमें ना अभी थोड़े चेंजेस करने हैं, एक बेड है इसको चेंज करना है, और यहाँ पे जो पिक्चर्स लगे हैं उसको हम यहाँ पे लगाएंगे, और यहाँ पे एक बड़ा सा टीवी लगाएंगे, तो ये रूम थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। और यहाँ पे ना मेरा वर्किंग स्पेस रहेगा, लाइक मैं थोड़ा लैपटॉप वगैरह डाल के थोड़ा सा सेटअप करूँगा चेंज, तो थोड़ा मैं वीडियो शूट वगैरह कर सकूँ। और यहाँ पे है बालकनी, बालकनी से व्यू मस्त है, तो गाइस ये है बालकनी, तो गाइस ये है बालकनी, बालकनी अच्छा है, थोड़ा बड़ा भी है, और यहाँ पे हमने ना थोड़े सामान डाल के रखे हैं। और हमारे घर में एक नया मेहमान है, लाइक आपको पता है कि लाइक हमने ना 1 साल पहले रैबिट लिया था, बट वो रैबिट ना हमने ना यूज़ नहीं, मतलब हमारे साथ था नहीं, क्योंकि हम दुबई वगैरह ट्रैवल कर रहे थे, तो हमने लीजा की मौसी को दिया था, तो अभी मौसी ने थोड़ा बाहर गई है 4 दिन के लिए, तो उन्होंने रैबिट को हमको दिया है, बोला 4 दिन संभालो। और गाइस ये है हमारा बेडरूम, और बेडरूम में भी शावर है, एक अच्छी चीज़ है कि कोई मेहमान वगैरह आता है तो हम बेडरूम में यूज़ कर सकते हैं, लाइक लीजा के फादर वगैरह और मौसी आएगी तो फिर अपने, और लीजा के सिस्टर, तो वो शावर वो यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर लीजा ने हमारे पिक्चर्स रखे हैं, हमारे ट्रिप के पिक्चर्स, और ये है परफ्यूम, मस्त फ्रेग्रेंस आता है इससे। और हमारे साथ हमारे घर में एक और मेहमान है, cause I got somewhere to be, and you're done deceiving me into thinking I couldn't do better. Yeah, I know I was probably crazy, thinking someday you'd change. There's nothing left to. तो अभी इसका नाम बेनी है, हमारे साथ 4 दिन तक है, उसके बाद वापस चले जाएगा अपने घर पे। There's nothing left to do now, so I'm playing the game. तो गाइस इस अपार्टमेंट का कॉस्ट लाइक ऑलमोस्ट सेम है जो हमारे लास्ट अपार्टमेंट था, तो 50,000 रुपये हमको ये पड़ते हैं, लाइक $600, और साथ में कम्युनल वगैरह लेके 50,000 पड़ जाता है मंथली। और साथ में गाइस अगर आप बेलारूस में रहने का प्लान कर रहे हो तो लाइक कॉस्ट ऑफ लिविंग बोलूंगा तो लाइक अपार्टमेंट आपको पड़ता ही है लाइक $500-600, फिर कम्युनल लेके 50,000 पकड़ के चलो, और फिर उसके बाद में आपको लाइफस्टाइल आपके ऊपर डिपेंड है, लाइक मैं और लीजा रेस्टोरेंट वगैरह जाते हैं साथ, मतलब महीने में 4-5 बार, हर हफ्ते एक बार गए तो भी 10,000 तक, मतलब 300 रुपये तो बिल हो ही जाता है कम से कम, तो उस हिसाब से देखा जाए तो 10,000 रुपये हफ्ते में ऐसा रेस्टोरेंट का हो जाता है, तो 40,000 रुपये तो आपको रेस्टोरेंट में चले जाएगा ऐसा महीने में, क्योंकि 4 बार जाओगे खाली हफ्ते में एक बार तो भी। और उसके बाद में राशन वगैरह खरीदना, हफ्ते में लाइक 10 दिन में राशन खरीदेंगे हम तो भी 10,000 का, फिर उसके बाद में ना 3 दिन हाँ 1,20,000 तो ऐसे ही हो गए, मतलब 1.5-2 लाख रुपये आपका खर्चा हो ही जाता है कट टू कट, अगर आप रोज़ रेस्टोरेंट नए नए फैंसी प्लेसेस जा रहे हो शॉपिंग कर रहे हैं तो उससे भी ऊपर जाएगा, मगर 1.5-2 लाख
रुपये तो हमारा एक्सपेंस हो ही जाता है मंथली बेलारूस में मंथली। और रही अभी थोड़े दिन तक मैं रेंट पे हूँ क्योंकि अभी तो हम मैं भी नया हूँ, पीआर हो जाएगा उसके बाद मेरा प्लान है लाइक घर लेने का। और घर के लिए मैं देख रहा हूँ कि कहाँ पे घर लेना चाहिए, सिटी से कितना दूर रहना चाहिए। तो बहुत सारे प्लेसेस है लाइक लीजा की फैमिली मुझे सजेस्ट कर रही है, बहुत सारे जो बिल्डर्स है जो उन्होंने न्यू कंस्ट्रक्ट किया है उनके ग्राउंड्स वगैरह मॉल्स वगैरह बन रहे हैं तो हम लुकआउट कर रहे हैं। क्योंकि कितने दिन तक हम मतलब रहता ना रेंट का घर रेंट ही हो कितना भी बड़ा हो। तो मैं भी आपको ये सजेस्ट करूँगा जो भी मेरी वीडियोज़ देख रहे लोग ना लाइफ में ना अपना एंजॉय कर रहे हो, पार्टी कर रहे हो, घूम रहे हो, सब चीज़ें करो बट ना मेक ए सेविंग और रैबिट ने मेरे को डरा दिया यहाँ पे, मेक ए लिटिल बिट सेविंग और हो सके ना प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो, बहुत अच्छा है क्योंकि लाइक वो हमेशा लाइक एक एसेट होता है और लिक्विडिटी कैश होना चाहिए बट हमेशा हो सके ट्राई करो कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो गाइस। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा मेरे वीडियो के थ्रू क्योंकि लाइक मैं भी ना लाइक थोड़ा ना बहुत पैसे इधर उधर खर्चे करता हूँ बट अभी मैंने सीखा है कि लाइक फैमिली है सब चीज़ें तो प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा मेन रीज़न यही था कि मतलब मेरे लाइफ में क्या चल रहा है और मैं कहाँ पे रह रहा हूँ वो सब आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो क्योंकि आप लोग भी मेरी फैमिली की तरह हो। तो गाइस आई होप कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया रहेगा कि बेलारूस का कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना है, अगर रहना चाहेंगे फैमिली के साथ तो कितना पड़ेगा। और सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल द टाइम टेक केयर, लव।